अच्छा परफॉर्म किया, पर TKKB आज जीते हुए। अगला मैच CMM और M2V ऐसा थोड़ा तुलु हमको भी बर्फुंडू अंचे ने अंपायर बैदर बेते बॉल के नुल्लर पोसा बॉल नना द मैच स्टार्ट अप सेमीफाइनल को जल्दी स्टार्ट करने का रिक्वेस्ट कर M2V और CMM दोनों टीम्स को। और गुरु जिन्होंने आज का जो 500 का इनाम है, मिस्टर लक्ष्मण ऊपर आइए। अच्छा, ये आपके लोकल कमेटी की तरफ से? अरे वाह। और ये इनिता उनके शिक्षा के दिन एक अरे अपन ने प्लस माल ध्वन सारे घर पे रहता ना वो कमेंटेटर की आइनुद आइनुद करो लिया रहेगा अच्छा था लेजी अरे अपन अंचे ने प्लस माल कर रहे जी गुरु ताटी बटले मातरला जी ताटी बटले गुरु फर्स्ट एक साइन रुपए कैमरामैन बहुत ही खूबसूरत जो स्पीड था वो स्पीड को दिशा दी है और दो रन निकालने में कामयाब हो चुके हैं। अच्छी शुरुआत जीत द्वारा, कोई भी गाई गड़बड़ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि बॉल भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छी थी। यस सर, यहाँ पे ओवरऑल अच्छा था, बहुत बेहतरीन क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर। एक सेमीफाइनल, ये दूसरा सेमीफाइनल। और ये जोरदार मारा हुआ देखते, और ये लगा जीत को 500 रुपीस उमानाथ सर की तरफ से। हेलो बॉडी लाइन गेंदबाजी की थी और उसपे एक ही रन आपको मिलेगा और एक रन से संतुष्टि। यहाँ पे जीत और रंजीत अभी आए हैं। रंजीत आपने देखा होगा, रंजीत राइट हैंडेड बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग लेफ्ट हैंडेड करते हैं। यस सर, ये एक अलग बात है। और तुषार की गेंदबाजी में आज वो पहनापन दिखा नहीं लेकिन पिछला गेंद बहुत बेहतरीन था। और ये दिशा से भटके हुए पूरी तरह से वाइड गेंद घोषित करते हुए यहाँ पे अंपायर 10 रन हो चुके अभी तक के 3 गेंदों में। थोड़ा सी खराब गेंदबाजी यहाँ पे मैं कहूंगा। तुषार नहीं पन्नी रे साथ जी और एड्डे पाड़न दुल्ले और एड्डे जन्ना बॉल पाड़न दुल्ले और एड्डे जन्ना बॉल अले। और ये और एक बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे एक रन पूरा किया है फील्डर बॉल के नीचे दूसरे रन की। और ये लेकिन उनको जीत ने बहुत अच्छा कॉल दिया और रंजीत को वापस भेज दिया। और ये जीत और रंजीत बहुत अच्छा राइम यहाँ पे जी। और दोनों थोड़ा सा पोएट्री लिखना चाहिए पहले लाइन जीत में। और रंजीत अगर रन बनाएंगे तो जीत जरूर होने वाली है इस टीम की। जी जी जी, या जीत ने रन बनाया तो रंजीत बन जाएगा। जी जी, दोनों के नाम में तो जीत है। और तुषार को थोड़ा सा अपने गेंदबाजी पे नियंत्रण रखना होगा, आने वाली इस 2 गेंदों में उनको रोकना होगा नहीं तो एक बड़ा स्कोर बड़ा लक्ष्य यहाँ पे देख सकते हैं हम, क्योंकि और एक पावर प्ले रहने की आशा है बैट्समैन का जो पावर प्ले है। तुषार और ये उठा के बॉल कैच पद्वेरा और ये देखो या इसको बोलते हैं जोश। और ये फिर से जीत आउट आज इल्लाडे पिदाई पोन दुल्लेर ओए आउट होके बर्पीना बैट्समैन प्रशांत अन्ना लेकिन उन्होंने अपना काम मात्र बखूबी से निभाया है। एक छटकार मारा हुआ है उन्होंने अभी रंजीत को, वहां पे खड़ा रहना
अभी आ रहे हैं प्रशांत। प्रशांत 23वा नंबर का जर्सी पहर द बैटिंग वरन दुल्लर 5 बॉल 11 रन 1 विकेट। एक बड़ी सफलता मैं कहूंगा, षटकार मारा था जरूर लेकिन उनका विकेट लेके दिखाया यहाँ पे। बहुत अच्छा बाउंसर, उसको खेल नहीं पाए, उसको टाइम नहीं कर पाए और अपना विकेट दे दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बॉलर की पैंट में कुछ तो है, देखिए एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बैट्समैन को कंफ्यूज कर रहे शायद। हो सकता है सर, कुछ तो रणनीति होगी, कुछ तो रणनीति है इसमें। और शॉर्ट ऑफ लेन पॉइंट के दिशा में मारना चाहते थे, ऑफ साइड के बहुत ही बाहर से फेंकी हुई है गेंद और वाइड करार दिया हुआ है अंपायर ने, और बॉलर कहना चाहते हैं कि बॉल शायद अंदर आ गया था। शांतता रखिए। अच्छा ऑर्गेनाइजर से कहना चाहिए कि अल्पा दंते पंति दे पोड़ी तंड बॉल पोन दीजिए अल्पा। दूसरे ओवर में भी पावर प्ले ले रहे हैं, ये एक अलग रणनीति सर, क्योंकि बैट्समैन चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। पहले ओवर में 12 रन निकाल चुके हैं, तो नहीं ज्यादा हो गया है 15 रन, पहले ओवर में 15 रन निकाल चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि हम इस स्कोर को और बढ़ाते रहे और प्रेशर क्रिएट रखे हम बॉलर्स टीम के ऊपर। तो अच्छी रणनीति मैं कहूंगा इस दोनों बैट्समैन की, अच्छा डिसीजन, और देखते हैं किस तरह से खरा उतरते यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है फील्डिंग टीम थोड़ी सी दबाव में जरूर रहेगी और बॉलर्स को अभी अच्छे लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके कुछ अलग रिजल्ट आएगा। 15 रन, 15 रन। हाँ बॉलिंग बरंदुलर हरीश, पोइना मैच एड्डा बॉलिंग पार देते अंचने इतना पार्टवेर पड़े तो अकलना टीम प्रार्थना मन पंदुप्पु अभिप्राय समथिंग एल्स। प्रशांत स्ट्राइक, प्रशांत और नॉन स्ट्राइक पर रंजीत, हरीश का सामना करेंगे प्रशांत। प्रशांत अन्ना जो कि M2V के काफी एक्सपीरियंस्ड, तो ही फील्डर बाहर रखे हुए हैं। पावर प्ले 2 डीप स्क्वायर लेग काउ कॉर्नर की दिशा में और एक लॉन्गन की दिशा में, दो फील्डर तैनात किए हैं बाहर सर, और एक वाइड प्लेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर्स के और लॉन्ग ऑफ के बीच में एक फील्डर को खड़ा कर दिया है। और ये बहुत ही खूबसूरत गेंद यॉर्कर, और लेकिन एक रन चुराने से रोक नहीं पाएंगे इन दोनों को, अच्छा तालमेल दोनों के, इसमें अच्छे कॉलिंग यहाँ पे दिख रही है प्रशांत और रंजीत में। जो काम जीत और रंजीत ने किया था वही काम अभी प्रशांत के साथ मिलकर रंजीत करने वाले है। प्रशांत और रंजीत, रन और जीत, और हरीश की गेंदबाजी, और ये फुल टॉस का पास थी, उसको भाप नहीं पाए और एक ही रन से अभी तक अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि अपने जो हाइट है उसका पूरे पूरा फायदा उठा रहे ये जो गेंदबाज है हरीश। चेतन बॉल पत्तनगर ने, सॉरी पंडेर अगर ना टीम मिसफील्ड बनता है पंडित। Thank you.
लेग स्टंप के अतिरिक्त बाहर जाती हुई ये गेंद, अंपायर ने कोई गलती नहीं की और वाइड कोशिश कर दिए इस गेंद को और इस तरह से एक एक्स्ट्रा रन बढ़ते हुए रन संख्या हो चुकी है 18 दूसरे ओवर। और ये फिर से एक बार पूरी तरह से दिशा से बट के यॉर्कर डालने की कोशिश है, पैर में डालने की कोशिश है, लेकिन गेंद 19 रन्स ऑन द बोर्ड, 11 रन आतंड हरीशना बॉलिंग 19 रेड बॉल आतंड रेड बॉल पद्म रन फुल टॉस शॉट एग्जीक्यूट किया, नो बॉल था, नो बॉल, नो बॉल पे बाउंड्री जाती हुई बहुत ही खूबसूरत शॉट और थ्री हिट, फ्री हिट मिलेगा और जो पावर प्ले था उस पावर प्ले का फायदा हो रहा है यहाँ पे इस बैट्समैन ने जो पावर प्ले लिया हुआ है 24 रन 24 रन हो चुके हैं अभी तक 8 बॉल और 24 रन, बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 24 रन है क्या, 4 है पूछ रहे, 6 है और ये 6 और ये अंपायर ने चेंज किया है अपना डिसीजन, 6 रन नो बॉल, 6 रन और 24 रन, एक बोनस भी है फ्री हिट, अब फ्री हिट वाला बोनस लेना बाकी है। 26 रन्स ऑन द बोर्ड दो जी और ये फिर से उठा के मारा हुआ लॉन्ग आर्म के दिशा में एक रन पूरा किया है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन भी आसानी से कंप्लीट किया है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने और अच्छा तालमेल वहाँ पे। टोटल 3 गेंद हो चुकी है अभी तक इस ओवर्स में, 28 रन 28 रन 28 रन यानी 9 बॉल में 28 रन मार चुके हैं इन लोग और ओ, बहुत ही अच्छी गेंद, ये पहले डालनी चाहिए थी लेकिन एक दो नो दो वाइड उसके बाद नो और उस नो पे आया हुआ एक षटकार उसके बाद 2 रन अभी जाके एक बुलेट के जैसा ट्रेंड है ये लय में बुलेट जैसा है, थोड़ा सा कमबैक किया है, मतलब गेंद कैसे चली गई बैट्समैन को समझा ही नहीं और ये फिर से ऊपर उठा के मारा है क्या पकड़ी और फील्डर के सर के ऊपर से ये गेंद जाती हुई 4 रन प्रशांत अन्नाना, बहुत ही फास्ट ये स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 10 बॉल 5 बॉल ना 5 बॉल्स आइन बॉल ननन जी लास्ट बॉल हो रही दुन 38 रन आतन पिराना जोर से और ये भी जा रहा है ऊपर से लंगन के दिशा में बहुत पटके ही ऐसी गेंदबाजी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए और दूसरा पावर प्ले को भी सफल करते हुए आते दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को न्याय दिया हुआ इन दोनों गेंद बल्लेबाजों ने और बहुत ही खराब ऐसी गेंदबाजी में कहूंगा रन रोक नहीं पाए और पावर प्ले पूरी तरह से बैट्समैन की पकड़ में। सर मैं तो कहूंगा कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी है क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही तेज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं वो जब से, लेकिन बैट्समैन बहुत ही चौकन्ने, यस यस सर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है 36 ना 2 ओवर के बाद स्कोर हो रहा है 36 ऑन द बोर्ड और अभी गेंदबाजों को सोचना होगा, कैप्टन को एक रणनीति बनानी होगी, अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी करनी होगी, कम से कम रन देने होंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी दोनों बल्लेबाज जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाली है क्योंकि वो कोई भी चांस नहीं लेंगे यहाँ पे और तोड़फोड़ ऐसी बल्लेबाजी करेंगे ऐसा मेरा अनुमान है, देखते हैं आने वाले इस ओवर्स में किस तरह से बल्लेबाजी वो करने वाले है। सुरुता रेड वर्ल्ड अच्छा मैच उंजे साइड पोपला का तोजन दुंडु रेड ओवर 35 रन पंडा इतने टाती जी तो जोड़ नाना नाना खाली मूजी ओवर हो रही थी नुंदु इनिंग्स दा
चेतन है जीत बाल है बोले चेतन आए तीसरा ओवर लेके आए चेतन। देखते अपने टीम के लिए क्या योगदान करते हैं वो। यहाँ पे थोड़ा सा फील्डिंग में चेंजेस किया हुआ है, पॉइंट डीप पॉइंट पे एक फील्डर को तैनात किया हुआ है, फिर काउ कॉर्नर में एक स्क्वायर लेग पे एक फील्डर है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के दिशा में बाहर तैनात किए हुए है, फिर शॉर्ट कवर पे मिड ऑन पे फिर स्क्वायर लेग शॉर्ट स्क्वायर लेग पे एक फील्डर और ये शॉट ऊपर से उठा के मारा है। फील्डर यहाँ पे आता है कि नहीं बॉल पे, लेकिन नहीं, एक टप्पा और दो रन रोक नहीं पाएंगे किसी भी तरह में और ये दो रन से ही संतुष्टि, दो रन से रन बढ़ते हुए ये तो दुमबुड़ी रड रड रन 38 रन इल्लिया विषय बैट्समैन रड रड रन बलपंदु ले रख लिंग नीर पूरा कर ले हंचे ने फील्डर लगो नीर पंद ले चेतन बॉलिंग मन पर बैदर ओ जोरदार मारने की कोशिश लेकिन बॉल को भाप नहीं पाए और ये बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधी जाती है गेंदबाजी और ये डॉट गेंद बेहतरीन गेंदबाजी रेड बॉल 33 मा रन रेड ओवर रेड बॉल 33 मा रन और ये बॉल इधर गिर चुका है मुझने बॉल चेतन रंजीत ओ ये कैच हो सकता था लेकिन सर के ऊपर से चला गया मिसफील्ड। यहाँ पे एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए दौड़ पे और दोनों रन कंप्लीट किया इन्होंने और ये पूरी तरह से पहुंच गए। अब अच्छा तालमेल यहाँ पे अच्छी कॉलिंग यहाँ पे जो भी मिसफील्ड हो रहा है उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छा मैच यहाँ पे खेलते हुए रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू क्लैप इतने धूप में बहुत अच्छा भाग रहे हैं लोग एवरीबॉडी शुड क्लैप दिस थिंग should appreciate this thing umpire khada nahi hai bowling kar raha hai tanki ke paas se uthta hai chetan ranjit gup hello aur fir se o achhi koshish yahan pe wicket keeper ki lekin ek run रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। बहुत ही अच्छी कोशिश थी यहाँ पे कीपर की दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी थी जरूर बैट की एज लग के वहां पे कीपर ने बहुत अच्छी कोशिश की और तारीफ करनी होगी यहाँ पे कीपर की और उसके बाद उस फील्डर की जिसने वो बॉल रोका और आगे जाने से बचा। मैं तो कहूंगा ये बॉलिंग भी खराब थी बैटिंग भी खराब थी और विकेट कीपिंग बहुत ही अच्छी ओके ओके थी। बुरा मत सुनो बुरा मत कहो बुरा मत कहो बेहतरीन कमेंट्री किसने बोला गुड वन गुड वन गुड वन कम बैक फिर से शॉट गेंद और बेहतरीन शॉट खराब गेंद उसका पूरा फायदा उठाया बेहतरीन शॉट बारी अड्डे गोबोंदु लेर प्रशांत अन्ना चेतन गोंते बॉल उंचूर कैट दीद बोका पाड़ो बैटिंग बॉलिंग ऑनचूर इंप्रूव मन पोड़ाऊ दादा शॉट ये आज का सबसे बेहतरीन शॉट है ये बेहतरीन शॉट
क्या शॉट है ये, स्क्वायर कट, वो भी स्टंप्स के थोड़ा पीछे। मुझी ओड नलपत्तर मरन अंचा बंडान मुझी ओड नलपत्तर मरन नना रड्ड ओवर उंडू। तीन ओवर के बाद स्कोर हो रहा है 39 runs। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, बॉलर्स को जरूर यहाँ पे कमबैक करना पड़ेगा। 49 runs, 3 over, 49 runs। जल्दी जल्दी मैच शुरू किया जाए, रिक्वेस्ट करता हूँ मैच को रिज्यूम करो प्लीज, बैटिंग टीम को बोलता हूँ रिज्यूम करने के लिए प्लीज। 49 रन्स ऑन द बोर्ड, थोड़ा जल्दी जल्दी मैच को खत्म करें प्लीज। थैंक यू रोशन चुस्ती दिखाने के लिए। चौथा ओवर लेके आ रहे हैं गेंदबाज का नाम है, कौन है गेंदबाज, गेंदबाज कौन है, गेंदबाज कौन है, बॉलर दुर्गा पी बंगेरा, दुर्गा कौन है, विनीत बॉलर, दुर्गा दुर्गा कौन है, फिर से एक बार, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर की दिशा में एक रन और दूसरे रन भी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट दिस टू बैट्समैन रंजीत ये और प्रशांत, व्हाट क्या तालमेल है, तारीफ करनी होगी इन दोनों की। दो रेड बैट्समैन को बल्पू नहीं आते बाइक पतंत पोन दो लेरा अंचिर दिंची अंचिर दिंची। बहुत ही खूबसूरत रनिंग मैं कहूंगा, कमेंट्री खाली धूप में इस तरह से जो रनिंग बिटवीन द विकेट हो रहा है काबिल तारीफ है। व्हाट अ बैटिंग, कम ऑन रंजीत, और एक बार फिर से हर एक बॉल पे रन लेने की कोशिश और जो कोशिश है उसको कामयाब करते हुए यहाँ पे रंजीत और प्रशांत दोनों, अभी प्रशांत आएंगे बल्लेबाजी के लिए, दोनों एक दूसरे का अच्छे से साथ निभाते हुए यहाँ पे और रन संख्या बढ़ाते हुए टोटल रन हो चुके हैं 52 runs ऑन द बोर्ड, 52 runs। कैमरामैन कहाँ पे रहेंगे, वो यहाँ पे स्टेज के यहाँ पे आ जाए कैमरामैन दुर्गा प्रसाद, फोटोग्राफर है सॉरी फोटोग्राफर। और ये और एक अच्छा शॉट, काउ कॉर्नर का फील्डर बॉल की तरफ आते हुए फंबल हो रहे हैं और रंजीत और प्रशांत की बहुत अच्छी यहाँ पे रनिंग, अच्छा तालमेल यहाँ पे पूरी तरह से डाल दिया ये फील्डिंग ये फील्डर्स को, क्योंकि खाली सिक्स और बाउंड्रीज में डील नहीं कर रहे, एक एक दो दो रन आसानी से निकाल रहे, आसानी से नहीं लेकिन दूसरा रन चुराने का जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको पूरी तरह से खरा उतर रहे हैं लोग। बहुत ही अच्छी बैटिंग, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में, तो ये मेहनत का फल उनको जरूर अच्छा मिलेगा। फिर से एक बार उसी दिशा में शॉट मारा, वही फील्डर के पास बॉल जाते हुए और अभी पूरी तरह से फील्डर चूक गए और ये बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई गेंद, चार रन। बहुत ही खूबसूरत ऐसा फटका ये, और ये लेफ्टर ग्राउंड शॉट था उसको पकड़ नहीं पाए, पूरी तरह से प्रेशर में है फील्डर भी यहाँ पे और रन बढ़ते हुए यहाँ पे सद्या को मैच उंजे साइड को पोपू लगा तोजन दंडो। प्रशांत अन्ना भाई अड्डा को अभी तक रनिंग बिटवीन द विकेट्स बाइक टू मन पंदु लेरु अंचे रिंची बोपुना गोत्ता पुजी। 58 रन्स हो चुके अभी तक, चौथा ओवर अभी भी जारी है। संतोष बंगेरा वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डर वैद्य अरे आदर द स्वागत संकेत संतोष बंगेरा सर यहाँ पे आ चुके हैं बॉडी बिल्डर, तो उनका स्वागत करते हैं हम हमारे इस कम्युनिटी की तरफ से, सारे दर्शकों को
उनका स्वागत करिए तालियों के। और ये बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे हो सकता था, लेकिन एक ही रन पे रंजीत ने रोक दिया, अच्छा कॉलिंग किया यहाँ पे। इतना मैच उंजे साइड पोपुल अकाउंट फील्डिंग हो चुके डाउन आउंड सीएमएम ला नन्ला उंचूर कॉन्फिडेंस दियोड़ा वकलना मित्तु नेक्स्ट बॉल फ्रॉम दुर्गा टू रंजीत। और ये डॉट बॉल बहुत दिनों के बाद में देखी है, ये बहुत देर के बाद ये डॉट बॉल, जैसे कि डॉट बॉल खो ही गया था, मतलब इस दुनिया में नहीं था डॉट बॉल। ये मैच में डॉट बॉल्स बहुत कम थी, तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि जीत के विकेट के बाद जो पारी को संभाला इन दोनों बल्लेबाजों में रंजीत और प्रशांत ने, और एक एक दो दो रन से भाग भाग के खुद भी थक गया और फील्डर्स को भी थका दिया है उन्होंने। आप इसको भागना कहते हैं, इन लोग तो बाइक पे लेके जा रहे हैं इधर उधर। बहुत ही खूबसूरत। और रिक्वेस्ट करता हूं बैटिंग टीम को थोड़ा फटाफट कूलिंग कीजिए और फटाफट आइए। 59 इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर होना बाकी है। अब ये जो टोटल है वो इक्वल कर दिया है, इतने ज्यादा हाईएस्ट स्कोर इतना 51 मेकुला 51 मंथ देर नाल ओवर 51 बीट लगाई जी अंड 51 अंड अवला मेकुला नहीं थे सेम टीम रट सटी 51 रन नाकिनी एम टू वी रडने सटी 51 आकदन नालो वर्ड सर जी। दूसरी बार कोई टीम दो बार हाईएस्ट स्कोर मार रहे हैं इस टूर्नामेंट का, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, और ये स्कोर मारा है बहुत मेहनत से, खाली सिक्स और बाउंड्रीज नहीं मारे, अच्छे टीम के सामने मारे है, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है तो अच्छी टीम जरूर है ये, तो अच्छे टीम के सामने स्कोर बनाया है और दोनों ने अच्छा तालमेल दिखाया है, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की है, अच्छा तालमेल, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये तपती धूप में निकाला है सर, तो जरूर काबिले तारीफ है। ईत दुम्बुड़ रन बलिपंदुलेर पंडा जी मैन ऑफ द सीरीज बतनामा बहुत बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी यहाँ पे, लेकिन पूरी तरह से बीट हो चुके हैं, और ये डॉट बॉल, लेकिन कोशिश जारी है, एक दो शॉट भी बड़े आते हैं तो भी स्कोर जाएगा 70 के ऊपर, और ये बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा, जूस लाए हैं शायद, और एक दबाव रहेगा क्योंकि बड़ा स्कोर, एक साइकोलॉजिकल बड़ा स्कोर है वो, तो जरूर एक बड़ा दबाव रहेगा वहां पे। उधर ही रखने और ये नो बॉल, और इसके ऊपर आया हुआ ये चौकार, ये चार रन, ये बाउंड्री, और इस तरह से पहला गेंद बहुत अच्छा था, इस तरह डाला था, फ्री हिट रहेगा इसके बाद, और उसके बाद पूरी तरह से दिशा से भटके, लेन से भटके, और ये उसका पूरा पूरा फायदा उठा, क्योंकि बॉलर बॉल पे अपर पूरी तरह से नजर, फुटबॉल दिख रहा होगा इन दोनों बैट्समैन को बॉल, और ये रन बढ़ते हुए रन हो चुके हैं 64 रन्स, 54 रन, बॉल ला काउंट स्कोर आज के दिन रन ऐड अपन का, बॉल ला काउंट जी 5 रन ऐड अपन, फ्री हिट, नेक्स्ट बॉल फ्री हिट ला उंडू, अभी भी 5 बॉल्स अभी भी बाकी है। कमेंटेटर बॉक्स को चूर जूस बोका नीर बरोड बंडद रिक्वेस्ट मन पंदुला, फिर से एक बार बना के मारने की कोशिश, लेकिन एक जो पहला बॉल डाला था उसी तरह का बॉल अभी उन्होंने डाला, और यही बॉल, यही गेंदबाजी होनी चाहिए, इसी टप्पे पे गेंदबाजी होनी चाहिए, तो ये स्कोर कम हो जाएगा, इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन्स ऑन द बोर्ड, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, इसी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी और बैट्समैन को रोकना होगा, लास्ट 4 बॉल्स, दो ओवर नाल बॉल हो रही, 54 रन,
और एक बहुत अच्छा शॉट काबू कॉर्नर के दिशा में, एक वन बाउंस एक और दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े रंजीत। यहाँ पे बहुत ही प्रशांत की तारीफ करनी होगी, हर टाइम उन्होंने सेकंड रन को अटेम्प्ट किया है। और अरे इंदू फिटनेस मरलू मनपुल अकाउंट ये तो नाई दल का बलपन दुल्लर में कुल आखिरी अंडा बच्चुला तो जी गेंदे शेष है यहाँ पे और चार गेंदों का सामना तो होगा यहाँ पे। अरे आगे जाकर मारने की कोशिश लो और गेंद दिए और ये डॉट गेंद जो बल्लेबाज गेंदबाजों ने गेंदबाजी के उसमें ये अच्छे बेहतर गेंदबाज मैं कहूंगा, क्योंकि अभी तक तीन बॉल में रोक के रखा है इन दोनों बैट्समैन को, बड़ा कोई शॉट नहीं है, ज्यादा कोई रन नहीं है। अभी आने वाले तीन गेंदों में देखते हैं क्या होने वाला है। दो बॉल बचा है बाकी है और देखिए इसको याला बोलता अचूक टप्पा, अचूक टप्पा और केलेली ही गोलंदाजी आणि फलंदाज काय खेळू नाही शकले, तो यही इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी इस गेंदबाज को। आखिरी गेंद और प्रशांत जरूर चाहेंगे कि एक बड़ा शॉट आए और हम 70 पार कर सके, अभी भी स्कोर हो रहा है 68 रन्स, दो रन की जरूरत, छह मारा तो 74 72, जरूर कोशिश रहेगी कि 70 के पार हो जाते, एक बड़ा साइकोलॉजिकल टोटल हो जाएगा और सामने वाले टीम का जरूर थोड़ा सा मॉरल तो डाउन होगा क्योंकि उन्हें आके आक्रमण ही करना होगा। सीएमएम टीम और देखिए जो बोला था और ये लंबा षटकार तो। षटकार प्रशांत ने बात लिया था, अभी तक इस बॉलर को मैंने मारा नहीं लेकिन मैं अभी मार के रहूंगा, वो उन्होंने करके दिया इस तरह से रन हो रहे हैं वो 74 और 75 रन टू विन, इट्स अ बिग टोटल 75 रन विन टू विन सीएमएम टीम होगा। जी इतना प्रशांत का कितना स्कोर, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, सीएमएम टीम आज 75 रन ये पाला मनपोली आई ओवर उंडो। थैंक यू कमेंटेटर टीम जूस करने स्कोर लोग के लिए भी। प्लीज रिमेंबर द मैच इज नॉट वन टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। प्रशांत ने 46 रन्स बनाए इस मैच में, तालियां बजनी चाहिए प्रशांत के लिए 46 रन्स। जग्गू जग्गू अंपायर को एक ये देना एक ग्लास, उमेश अन्ना एक ग्लास, हाँ नीर हच्चोंडी अक्कड़ देना। सेवेंटी फाइव रन चाहिए जीतने के लिए। एम टू वी टीम काइंडली 75 टू विन। एम टू वी टीम काइंडली फील्ड पे उतरी है। शाम होते आ रही है, फाइनल अभी खेलना बाकी है। रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे एम टू वी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज फील्ड पे उतरिए। विनय प्लीज फील्ड पे उतरिए जापू में। अरे हाँ अत रड्डू बैट्समैन नकले ने कुल्ला ले अकुल सुमार बलते देर
దైకుల్లోని సాగదన ఏ ఉత్రో యార్ ఏ जिसका जूस पीके हो गया वो उतरो। मैच तो बोका अपनी हो प्लीज इतने आप मैच तो बोका प्लीज प्लीज जप्पे जप्पे रे बन ले बेगा बेगा जप्पे रे बन ले रोशन प्लीज अपना टीम नीचे उतारिए प्लीज प्लीज फाइनल में बॉल नहीं दिखने का प्रॉब्लम हो सकता है प्लीज सीएमएम के बैट्समैन प्लीज उतरिए सीएमएम के बैट्समैन प्लीज फील्ड पे उतरिए सीएमएम के बैट्समैन प्लीज फील्ड पे उतरिए कौन है ओपनिंग बैट्समैन सीएमएम के ओपनिंग बैट्समैन प्लीज फील्ड पे उतरिए प्लीज मैच स्टार्ट कीजिए रिक्वेस्ट करता हूँ मैच स्टार्ट कीजिए ओपनिंग बैट्समैन जल्दी उतरिए हरीश और दुर्गा प्रसाद ओपनिंग में ना ओपनिंग बॉलर M2V की तरफ से टारगेट है 75 बट मुश्किल नहीं है और कोई भी मैच आखिरी बॉल तक खत्म नहीं होता प्रशांत जीत रंजीत प्रशांत और प्रशांत और प्रशांत ने दो तीन मारा शरद का हमारे से जल्दी बॉलर किया जाए अंपायर को रिक्वेस्ट है प्लीज टाइम की पाबंदी है यहाँ पे सूर्यदेव अगर जल्दी चले गए तो हम बॉल देखेगा नहीं फाइनल में थैंक यू ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है हरीश और दुर्गा प्रसाद फाइनल का ओवर नहीं तो कम करना पड़ेगा आपका चॉइस है तीन ओवर का मैच हो सकता है और दुर्गा प्रसाद स्ट्राइक लेते हुए शरद कर्मरन बॉलिंग की तरफ
नंदलांदू मैच उंचीला पोली। पावर प्ले का ये पहला ओवर लेके आए बॉलर, देखते हैं फाइनल में कौन सा टीम जाएगा, एम टू वी या सीएमएम। अभी चेस शुरू हो रहा है, शरद करमरन गेंदबाजी की तरफ, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्टी बैटिंग भी करते हैं। और ये लेट कट पीछे की तरफ, पीरवदमेटे पंति हूँ अक बॉल मेलाने पोपू और दिशा से पूरी तरह से बट के लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर ने वाइड घोषित कर दी है। और फिर से एक बार एज लग के और कोई गलती नहीं की और इस तरह से पहला विकेट का पतन हो रहा है यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा विकेट है। यस, सीएमएम का बहुत ही इम्पोर्टेंट बैट्समैन आउट हुआ है। लास्ट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन इस मैच में उनका लक उनके साथ में नहीं है, बैड लक मैं कहूंगा क्योंकि बॉलिंग में भी प्रदर्शन नहीं हो पाया। और अभी यहाँ पे तो मैं बैड लक कहूंगा, बैट का एज लग के ये कैच गया था, लेग साइड में मारने की कोशिश थी लेकिन बॉल का जो स्पीड था उसको रीड नहीं कर पाए और शॉट गलत हो चुका और फील्डर में कोई गलती नहीं की यहाँ पे। तो ये पहला झटका मैं कहूंगा बड़ा झटका सीएमएम टीम को। और मैं कहूंगा कि एम टू वी का फाइनल की ओर बहुत बड़ा कदम। चेतन स्ट्राइक लेते हुए, शरण शरण उनको बुरा लगा मैंने गलत नाम लिया इसीलिए। शरण इतना स्ट्राइक देते नंदुलेर, शरद इतना बॉलिंग पाड़न दुलेर। और ये पूरी तरह से फर्नीचर डिसमिस कर दिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा खूबसूरत गेंद ये और क्लीन बोल कर दिया है पहले ही गेंद पे शरण को। और मराठी में तो बोलता है चारे मुंडे चीत, तो चीत हो चुके हैं इस तरह से। ये दूसरे विकेट का पतन होते हुए यहाँ पे बड़ा शॉट मारने की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गेंद जिसकी अपेक्षा नहीं थी। क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है इस दुनिया में। और ब्रह्मास्त्र के सामने बड़े महारथियों ने घुटने टेक दिया और यही यहाँ पे हो चुका है। और ब्रह्मास्त्र ने अपना काम बखूबी से निभाया हुआ है यहाँ पे। जिसके पास ब्रह्मास्त्र यूज करने की शक्ति है वो हमेशा विजयी हो चुका है और ये करके दिखाया है यहाँ पे शरद ने। ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट स्टार्ट फॉर दिस टीम। क्या बोलते हो सर, और दो विकेट निकल पाएंगे या हैट्रिक का चांस है यहाँ पे? हैट्रिक होने की संभावना तो हो सकती है इस टूर्नामेंट की, पहली हैट्रिक हो सकती है। मैं तो चाहता हूं कि मैच फिर से एक बार घूम जाए। मैच तो एक तरफ जा रहा है बट मुझे अच्छा लगेगा अगर मैच थोड़ा सा घूम जाए। जरूर एक अच्छा फाइट होना चाहिए इस मैच में। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट और इतनी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे फील्डर द्वारा, एक ही रन पे संतुष्ट। और ये हैट्रिक का चांस उन्होंने गवा दिया है लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हुए अपना वैयक्तिक परफॉर्मेंस भी अच्छा है। दुर्गा स्ट्राइक लेते हुए, शरद बॉलिंग करते हुए।
और ये फिर से एक बार, और ये कैच हो सकता था लेकिन उनके सको उसको पूरी तरह से बीट कर दिया फील्डर को, और ये चार रन दुर्गा प्रसाद के बैट से आता हुआ, और ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट अपने टीम को करते हुए यहाँ पे दर्शक। मैं कहूंगा फील्डिंग थोड़ा खराब रहा इस बार, बॉल को पूरी तरह से जज नहीं कर पाए, नहीं तो ये भी एक आसान सा कैच हो सकता था और एक बहुत बड़ा झटका, फिर तो मैं कहूंगा कि पूरी तरह से बैकफुट पे जाती थी ये टीम। लेकिन दुर्गा प्रसाद अभी तक क्रीज पर मौजूद है, उनमें क्षमता है बड़े फटकों की, और ये मुझे लगता है ये ओवर की समाप्ति। अच्छी गेंद, डॉट बैट्समैन ने वेल लेफ्ट किया। सात रन पहले ओवर से आते हुए, अभी भी 68 रन्स पीछे है, चार ओवर में 68 रन्स बनाने हैं इनके लिए, तो हर एक ओवर पावर प्ले की तरह ही होगा। पावर प्ले का ओवर जिस तरह से, उसको हर ओवर में उसी तरह से खेलना होगा इनको, तब जाके ये रन वो कर पाएंगे। M2V टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि गेम को जरा फास्ट आगे बढ़ाए प्लीज। लक्ष्य बड़ा है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, हर एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी सबसे वर्ल्ड की सबसे टॉप टीम के सामने करके दिखाया है। 438 रन्स का जो लक्ष्य था उन्होंने करके दिखाया हुआ है, तो चार ओवर में 68 रन्स की जरूरत। पावर अंपायर पावर रन्स लिया गया कि नहीं, और जल्दी से जल्दी ये मैच शुरू किया जाए और कोई भी टाइम पास ना करे प्लीज, रिक्वेस्ट है सारे प्लेयर्स को थोड़ा सा। अंपायर जरा रिक्वेस्ट करता हूं मैच को जरा जल्दी आगे बढ़े, प्लेयर्स थोड़ा सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक फील्डर को तैनात किया है विनय गेंदबाजी की ओर से, हाउ कॉर्नर स्क्वायर लेग, और ये अपील, बहुत बड़ी अपील, और कोई भी रिस्पांस नहीं है यहाँ पे अंपायर की तरफ से, और ये एक डॉट गेंद मैं कहूंगा, तो मैं कह रहा था लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, काउ कॉर्नर स्क्वायर लेग और एक्स्ट्रा कवर, इन पांच फील्डर बाहर सर्कल के तैनात कर दिए है। फिर से एक बार जोरदार मारने की कोशिश, पूरी तरह से दिशा से भटके और ये गेंद जाती हुई वाइड, विनय अंचिनची बॉलिंग पाडून दुल्लेर बॉलिंग। और ये फिर से एक बार जोरदार मारने की कोशिश, लेकिन उधर फील्डर ने मिसफील्ड जरूर किया, लेकिन एक ही रन मिलेगा वहां पे क्योंकि स्क्वायर लेग का फील्डर बहुत ही चुस्त है वहां पे, एक्टिव है वहां पे, तो उन्होंने एक रन रोक लिया है, एक ही रन से संतुष्टि पानी होगी इन दोनों फील्डर्स को। और अभी दुर्गा प्रसाद देखते है किस तरह से प्रसाद देते है इस बॉलर को और अपने टीम को बड़ा प्रसाद देते है कि नहीं। शॉर्ट गेंद, और ये बहुत बड़ा शॉट, और ये सिक्सर स्टेडियम के बाहर, सिक्सर यहाँ पे स्टेडियम के बाहर, बॉल दखद पोंडू डीप स्क्वायर लेग के दिशा में, ये बहुत ही अच्छा सिक्सर। अगला सिक्स, इसी सिक्स के लिए 500 रुपीस मिलेंगे दुर्गा प्रसाद को। गिरीश सालियन सर की तरफ से 500 रुपीस, कितनी गेंद कितना हुआ
फिर से एक बार उसी दिशा में मारने की कोशिश थी, लेकिन डॉट डॉट गेन थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था और उसको भाप नहीं पाए पूरी तरह से और चूक गए, क्योंकि पहला जो गेंद था पूरा लेग साइड के बाहर था, उसका अच्छा फायदा उठाया था उन्होंने, अच्छा पुल शॉट मारा था। और फिर से एक बार उसी दिशा में मारने की कोशिश, और ये बैक टू बैक दो डॉट बॉल, क्योंकि प्रेशर बड़ा है, बड़े जितने शॉट्स लगेंगे उतना लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, वही कोशिश है, कोशिश करते रहनी है, लेकिन ये डॉट बॉल को तुम्हें संभालना होगा, हर एक डॉट बॉल तुम्हें पीछे पीछे धकेल सकता है, तो हर एक रन आपको आगे आगे ले जा सकता है, ये दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए और उस कैलकुलेशन के साथ चलना चाहिए। फिर से एक बार, अरे एज देखो, यही प्रेशर होता है, दो शॉट चूक गए और अभी उन्होंने थोड़ा ऑफ के दिशा में बाहर गेंद डाली, थोड़ा सा दिशा दी उस गेंद को, थोड़ा सा फास्ट गेंद डाली और उस पे विकेट देके वापस आ रहे दुर्गा प्रसाद ओपनिंग बोदितर इतने आउट आद पीरा बरंदुलेर। स्कोर कितना हो रहा है, 15 पदने इन रन आते डू दो ओवर के बाद स्कोर 15, 3 विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पे, मुझी विकेट 15 रन, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है तो उस लक्ष्य का जब हम लोग पीछा करते हैं तो एक प्रेशर रहता है बैक ऑफ द माइंड, उस लक्ष्य को पार करना होता है और उसमें अगर एक आध दूसरा बॉल भी डॉट जाता है तो प्रेशर बढ़ते जाता है, बिल्ट होते जाता है, अगर कंटिन्यूस मैंने कहूंगा ये लीजिए। जो भी किसी को चाय और नाश्ता करना होता है, चाय और नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, चाय पान और नाश्ते का आप लाभ उठा सकते हैं यहाँ पे। वो कर सकते हैं, व्यवस्था कर दी गई है चाय और नाश्ते की, और ये अगली गेंदबाजी के लिए आया हुआ है, चाय नाश्ता अवेलेबल है। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, दूसरा ओवर जिस तरह से बल्लेबाजी की थी उसी तरह से ये गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, बैट्समैन को प्रेशर है, क्योंकि ये इस लक्ष्य को पार करना है, चेस करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। और ये अच्छा शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑन के दिशा में, लॉन्ग ऑफ के दिशा में, एक रन और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, एक ही रन। शरद की गेंदबाजी, पॉइंट के क्षेत्र में एक रन चुरा लिया है, तो एक एक रन से कुछ होने वाला नहीं, बड़े शॉट्स की यहाँ पे दरकार है, बड़े शॉट जितने आएंगे उतने लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। फिर से फुल टॉस गेंद, बहुत बड़ा शॉट, ये स्कोर लग के सर के ऊपर से मारा हुई है, उत्तुंगा सा हाथ षटकार। दूसरे बॉल, ट्वेंटी थ्री रन्स ऑन द बोर्ड, तीसरा ओवर चालू है, दूसरे सिक्स के लिए भी 500 रुपीस अनाउंस हुआ था,
गिरीश आलियन सर की तरफ से। और ये फिर से हवा में गेंद, और ये तीसरा सिक्स, बहुत दूसरा झटका, तीसरा सिक्स, और इसी के साथ एक और 500 रुपीस का इनाम बैट्समैन के लिए। 29 रन्स और 29 रन्स हो चुके हैं तीन ओवर की समाप्ति पर। एक और गेंद बचा है, रिक्वेस्ट करता हूं जरा फास्ट फास्ट गेम को आगे बढ़ाए। और फिर से एक बड़ा शॉट, और ये बेहतरीन फील्डिंग, दो एक्स्ट्रा फील्डर ग्राउंड के अंदर, दो एक्स्ट्रा फील्डर आए हैं। स्कोर 30 रन तीन ओवर की समाप्ति पर। अब स्कोर बढ़ चुका है दो ओवर में, तीन और दो ओवर में कितना, दो ओवर में 45 रन्स की जरूरत, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अंपायर्स मैच को जरा जल्दी आगे बढ़ाइए प्लीज। मैच को जरा जल्दी आगे बढ़ाइए प्लीज। रंजीत फिर से लेफ्ट आर्म और वाइड के साथ शुरुआत। 31 क्या ये मैच घूमेगा? क्या ये रंजीत की ओवर? मैं फिर से पूछता हूं, क्या ये मैच घूमेगा? बत्तीस रन तीन ओवर, 43 रन्स दो ओवर की जरूरत। इस बार विकेटकीपर बहुत ही खुश इस गेंद से। बैट्समैन बहुत ही कूल लग रहे हैं, लगेंगे ऐसा लग रहा है कि कर देंगे करके आज। और ये बेहतरीन हिट, ये 6 रन और संजीव अन्ना की तरफ से 500 रुपीस, 38 रन हो चुके हैं। सर प्लीज अंपायर को रिक्वेस्ट करता हूं कि ओवर के बीच में ये सब स्टॉपेजेस ना लाए प्लीज। ओवर के बीच में ये स्टॉपेजेस ना लाए प्लीज। सीएमएम के बैट्समैन ओवर खत्म होने के बाद
सही बैट्समैन है रंजीत के फिर से एक वाइड 39 रन्स हो चुके हैं एक ही बॉल है एक ही बॉल है ना 10 बॉल और बचे हैं क्या ये मैच घूमेगा और ये विकेट कीपर को एक छोटा सा 9 गेंदों में 35 रन की जरूरत तो 9 बोला ना 9 10 था चीटिंग नहीं करता मैं नहीं करता फिर से एक वाइड और वाइड पे कंट्रोल रखना पड़ेगा रंजीत को क्योंकि वाइड और नो मैच को घुमा सकते हैं नौ बॉल 34 रन की जरूरत 34 रन रंजीत और अच्छी बॉल बस बस ऑन साइड पे बेहतरीन शॉट 8 बॉल में 33 दो रन मिले चेतन को और ये अच्छी बॉलिंग ये फिर एक बार विकेट कीपर से बॉल छूटते हुए अरे यार सी 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 कॉमेडी ऑफ एरर्स सिक्स नहीं सात गेम ना चलिए इस ओवर के आखिर गेम इस ओवर की आखिरी बॉल आखिरी बॉल इस ओवर की रनिंग बॉल एक ओवर सात बॉल बाकी है रंजीत फिर से स्क्वायर लेग पर शशांक के हाथ में बॉल बेहतरीन फील्डिंग और अच्छी फील्डिंग सेम फील्डिंग कह सकते हैं इसे छह बॉल बाकी ओवर की समाप्ति छह बॉल में 28 रन चाहिए आखिरी ओवर का बॉलर को रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी जल्दी लास्ट ओवर डाले आखिरी ओवर में 28 रन की जरूरत 28 रन मुझे एक मैच याद आ रहा है अपने ही टूर्नामेंट का जिसमें लास्ट ओवर में 23 रन चाहिए थे वही विराट और बॉलिंग टीम M2V ही थी बैटिंग टीम C2D थी और 23 रन मार चुके थे लास्ट गेंद में चौका मार के मैच जिताया गया था और ये क्या वो आज हो सकता है नहीं हो सकता अंपायर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैच खत्म करे अंपायर मैच खत्म करे प्लीज एक ही ओवर बचा हुआ है प्लीज प्लीज फाइनल के ओवर्स कम किए जा सकते हैं प्लीज नहीं होएगा प्लीज मैच स्टार्ट करो प्लीज प्लीज ऑर्गेनाइजर्स को बहुत तकलीफ हो रहा है प्लीज
पावर प्ले, तीन फील्डर बाहर, बाकी सब अंदर। और बैट्समैन जो फॉर्म में है पावर प्ले का पूरा फायदा उठा सकते हैं। 28 रन्स की जरूरत। यस। अरे और ये वाइड, हरीश अब तक अपना पहला गेंद डाली नहीं है। और ये ऊपर से मारा है, छह रन। ओवर का पहला गेंद, 7 रन बन चुके हैं और जीतने के लिए अभी भी 28 रन्स, 21 रन्स, 5 बॉल 21 रन्स है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है और पावर प्ले टाइम पे लिया, उस पावर प्ले का फायदा उठाते हैं कितना देखते हैं, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। पहला गेंद वाइड डाला था और उसमें एक रन आया था, उसके बाद ये 6, 5 गेंदे और 21 रन्स, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। और ये बहुत ही अच्छा कैच हो सकता था, एक रन पूरा किया है और एक ही रन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। अभी 4 गेंदे और 20 रन्स की जरूरत। अच्छा कैच हो सकता था, ये अच्छा ट्राई किया था, लेकिन प्रेशर प्रेशर है, प्रेशर में हो सकती है ये चीजें। 4 बॉल और 20 रन, 4 गेंदे 20 रन्स, गेंदबाजी बहुत ही सटीक करनी होगी, नहीं तो अभी तो बैट्समैन छूट गए, उनको तो छक्के और छक्के ही मारने हैं, तो वो वही उनकी कोशिश रहेगी या उनको एक ही डायरेक्शन में देखना है अभी, 6 या 4। और ये मारा है उठा के लॉन्ग ऑन के दिशा में, एक रन पूरा किया है और एक ही रन से संतुष्ट वहां पे। एक बात फिर से याद आ रहा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स कितना इंपॉर्टेंट है करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विकेट नहीं गिरे होते सर स्टार्टिंग में तो ये जरूर स्कोर हो जाता था, ऐसा दिख रहा है अभी यहाँ पे। जी जी जी, खींचा है इन बैट्समैन ने, बैट्समैन 3 गेंदे और 19 रन्स रिक्वायर्ड, बहुत ही जिस तरह से सेमीफाइनल होना चाहिए दोनों, तो उसी तरह का ये सेमीफाइनल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट और ये 6 रन्स, और ये शॉट मैन, शॉट, क्या ये मैच घूम रहा है, फिर से पूछ रहा हूँ क्या ये मैच घूम रहा है। 2 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। दो बॉल 13 रन की आवश्यकता, 2 सिक्सेस, सुपर ओवर की तरफ जा सकते हैं अपन। और ये मारने की कोशिश थी लेकिन वहां पे एक रन लेकिन रोक दिया है उन्होंने, और ये मैच को सील करते हुए, और एक तो एक औपचारिकता बचती हुई, लेकिन एक गेंद की पूरी तरह से एंटरटेन किया हुआ है। मैं दर्शकों से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो बल्लेबाज है उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां दोनों टीम के लिए। बहुत अच्छा एंटरटेन किया हुआ है उन्होंने दर्शकों को, एक अच्छा मैच देखने को मिला। और ये देखिए और फिर से ये 6 रन लग रहा है मुझे, और बहुत ही खूबसूरत शॉट। अगर ये मैच खत्म हो सकता तो इसी तरह खत्म हो सकता। यस सर, डेफिनेटली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बैटिंग, क्या है, खूबसूरत मैच दोनों। याला बोलता डोळ्याचे पारणे फेडणारा फटका, डोळ्याचे पारणे फेडणारा मैच आपण या ठिकाणी पाहिली आहे। बरोबर, एकदम बरोबर। तो बहुत ही और ये उमदा अरे लेकिन